तो फ्लैश मूवी फाइनली रिलीज हो चुकी है एंड आज मैंने ये मूवी थिएटर्स में जाके देखी। एंड यकीन मानो, अगर डीसी की अपकमिंग मूवीज ऐसी दिखने वाली हैं तो डीसी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। वेल, कुछ मामलों में मुझे थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि फ्यूचर को लेकर उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं और उनमें से कुछ स्टेप्स जो इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं उनसे मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन उनको हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो एक स्पॉइलर हो जाएगा और आज की इस वीडियो के अंदर अपन स्पॉइलर फ्री रिव्यू करने वाले हैं फ्लैश मूवी रिलेटेड। तो बिना किसी स्पॉइलर की टेंशन के तुम ये वीडियो बिंदास देख सकते हो। अब अगर मुझे एक वर्ड में कहना हो कि मूवी कैसी है, तो मैं तुम्हारा यहाँ पे 2-3 मिनट का टाइम बचाते हुए कह देता हूँ कि बिना कुछ सोचे समझे मूवी का टिकट खरीदो और मूवी को जाके एंजॉय करो, क्योंकि मूवी है काफी दमदार। ये मूवी एक्चुअली में लूजली अडॉप्टेड है फ्लैश पॉइंट की कॉमिक बुक से, और अगर तुमने वो कॉमिक बुक पढ़ी है तो तुम शायद इस मूवी का पूरा प्लॉट गेस कर लोगे। लेकिन जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स अपने को इस मूवी के अंदर दिखाए जाते हैं वो काफी यूनिक है एंड वर्क करते हैं। तो ये मूवी अपने मेन कैरेक्टर बैरी एलन के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड एक्चुअली में इस मूवी के अंदर बैरी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी टाइमलाइन खतरे में आ जाती है। अब ट्रेलर्स देखे हैं अगर तुमने इस मूवी के, तो तुम्हें पता होगा कि इस मूवी के अंदर दो बैटमैन और एक सुपर गर्ल भी है। एंड फर्स्टली अगर हम बात करें सुपर गर्ल की, तो साशा केल जिन्होंने सुपर गर्ल को प्ले किया है उन्होंने एक्टिंग वाइज बहुत अच्छा काम किया है सुपर गर्ल के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। एंड एट टाइम्स सुपर गर्ल साइन करती है मूवी के अंदर। सुपर गर्ल के फाइट सीक्वेंस बड़े तगड़े हैं एंड मैं इस चीज से इंप्रेस्ड हूं कि भाई डायरेक्टर ने जिस तरह से इन दोनों कैरेक्टर्स को दिखाया है, सुपर गर्ल को भी साइन करा दिया और जो लाइमलाइट है वो फ्लैश के ऊपर से जाती भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बैटमैन की बात करें तो बेन अफ्लेक वाले बैटमैन का एक फाइट सीक्वेंस है मूवी के अंदर जो कि दिखने में बहुत कूल और तड़कता भड़कता लगता है। एक्चुअली बैटमैन को जिस तरह से स्टार्टिंग में मूवी के दिखाया गया है ना, मैं वैसा ही बैटमैन को स्टार्टिंग से ही देखना चाहता था। आई नो कि वो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता लेकिन वो भी देखने में कूल लगता है और ऐसी ही कूलनेस हमें बैटमैन की मूवीज में देखनी है। खैर, ये हम सबको पता है कि भाई बेन अफ्लेक लास्ट टाइम बैटमैन का रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी के अंदर एंड शायद अब वो हमें कभी नहीं दिखेंगे बैटमैन के रोल में। वहीं अगर माइकल कीटन की बात करें तो माइकल कीटन वाला बैटमैन लिटरली मूवी की जान है। जब से माइकल कीटन वाला बैटमैन मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है ना, लिटरली मूवी एक अलग लेवल पे चली जाती है। वो अलग हाइप और अलग पावर तुम्हें फील होती है थ्रू आउट द मूवी एंड जो ही खतरनाक डायलॉग्स दिए गए हैं माइकल कीटन के बैटमैन को, और हो सकता है कि मैं उनकी पुरानी वाली मूवीज दोबारा भी वॉच करूं। इसके अलावा मूवी अपने को टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है जहां पे हमें बताया जाता है कि टाइम ट्रैवल करने से डीसी यूनिवर्स के अंदर क्या कुछ चेंज हो सकता है। एंड इस पूरी मूवी के अंदर जो अलग सा यूनिक सा टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। मतलब कोई अगर नया बंदा भी होगा जिसने डीसी की मूवी पहले नहीं देखी है उसको भी इजीली समझ में आ जाएगा कि मूवी के अंदर हो क्या रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये मूवी हमें बताती है कि एक स्पीडस्टर की मूवी कैसी होनी चाहिए, और अगर एक स्पीडस्टर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करता है और अगर वो उसकी मदद से टाइम ट्रैवल कर पाता है तो वो एक्चुअली में टाइम ट्रैवल कैसे करता है। एंड यकीन मानो, जब भी मूवी के अंदर टाइम ट्रैवल वाले सीक्वेंस दिखाए जाते हैं ना, तो मूवी तुम्हें शॉक करके रख देगी, क्योंकि विजुअली जितने शानदार तरीके से टाइम ट्रैवल वाले कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, जब भी फ्लैश टाइम ट्रैवल करता है एक अलग वाइब में चली जाती है पिक्चर। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें भी काफी पसंद आएगी पिक्चर। सबसे पहले मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। मूवी के अंदर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि अपने अपने जगह पर काम भी करते हैं। मूवी के अंदर का ह्यूमर बहुत शानदार है एंड जितने भी ये ह्यूमर्स ऐड किए गए हैं ये कहीं भी फोर्स्ड नहीं लगते एंड अपनी जगह पे काम करते हैं हर बार ऑलमोस्ट। एंड कई कई जगह पर तो तुम सिर्फ एज्रा मिलर की एक्टिंग देख के ही हंसने लगते हो। मतलब बंदा लिटरली हंसाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है और सिर्फ अपनी एक्टिंग की मदद से तुमको हंसा देता है। अब जब तुम ये मूवी देखोगे तो तुम शायद इस लाइन से और भी अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। तो अब जब एक्टिंग की बात हो ही रही है तो अपन कैसे मिस कर सकते हैं एज्रा मिलर की दमदार परफॉर्मेंस को। अब ट्रेलर्स के अंदर तुमने ऑलरेडी देख रखा होगा कि इस मूवी के अंदर बैरी एलन के दो वेरिएंट्स हैं एंड दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। एंड जब दोनों बैरी के वेरिएंट्स आपस में बहस करते हैं तो तुमको डिफरेंस साफ पता चल जाता है, और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया एज्रा मिलर ने अपनी एक्टिंग के थ्रू। एंड अगर डीसी के फ्यूचर में भी फ्लैश के रोल के लिए अगर एज्रा मिलर को रखा जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके एक्टिंग का असली पोटेंशियल तुम इस मूवी के अंदर देख सकते हो कि भाई बंदा किस लेवल की एक्टिंग कर सकता है। उसके बाद मूवी के अंदर का म्यूजिक बहुत शानदार है। एक स्टार्टिंग में ही म्यूजिक प्ले होता है जब फ्लैश पहली बार मूवी के अंदर दौड़ने वाला होता है एंड वही म्यूजिक पूरे मूवी का टोन सेट कर देता है, और एट टाइम्स तुम उस म्यूजिक को सुनते भी हो एंड लास्ट फाइट सीन में तुम उस म्यूजिक को सुन सकते हो। अब हाँ, अगर मूवी के अंदर की कैमियोस की बात करें तो देखो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा हाइप अप नहीं करूंगा मूवीज रिलेटेड, कुछ ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, बस इतना जान लो कि मूवी के अंदर कैमियोस हैं। अब इस बारे में मैं 2-3 लाइन और बोलूंगा ना तो ना चाहते हुए भी स्पॉइलर निकल जाएगा मेरे मुंह से। इसके
अलावा मूवी के VFX की बात करें ना, तो यही एक ऐसा पार्ट है मूवी का, यही एक ऐसा पॉइंट है मूवी का जहाँ पे मूवी तुम्हें डिसअपॉइंट करेगी। स्टार्टिंग में तो काफी सारी चीजें सही लगती है, मूवी का VFX बहुत तगड़ा है एंड इवेंचुअली मिड तक भी बहुत सही है, लेकिन मूवी का जब एंड सीक्वेंस आता है ना, तो उस सीक्वेंस के अंदर तुम्हें साफ साफ पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे VFX का प्रॉब्लम है। कई कई जगह पे तो तुम साफ साफ नोटिस कर सकते हो कि ये कैरेक्टर ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया है। एंड इसके अलावा मूवी का एंड एक्ट आते आते ना, कैरेक्टर्स तुमको 3D कैरेक्टर्स लगने लगते हैं, मतलब लाइव एक्शन कम और 3D कार्टून ज्यादा। एंड अगर ये छोटी मोटी इग्नोर होने जैसी गलती होती तो मैं शायद इसे यहाँ पे एड्रेस भी नहीं करता, लेकिन यहाँ की CGI एरर्स और VFX में कमी है जो कि तुम्हें नोटिस हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे ये मूवी हमें बताती है कि एक स्पीडस्टर की मूवी कैसी होनी चाहिए। एंड मैं इतना तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि रिसेंट के कुछ ईयर्स में फ्लैश प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज में से एक हुई। एंड इस मूवी के बारे में और भी ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो अपन फिर किसी और दिन बात कर लेंगे इस टॉपिक को कवर करते हुए एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो तुम लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।